चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को स्टार्ट किया था। रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है उसका पहला लेक्चर हो गया था हमारा। हमने काफ़ी चीज़ें कवर अप कर ली थी। हम लोगों ने पढ़ा था कि क्यों रिप्रोडक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने बैरियर मेथड देखा था, केमिकल मेथड देखा था। फिर हम लोगों ने एक लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था वो IUCD यानी कि इंट्रा यूटराइन कॉपर डिवाइसेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब जो हमें पढ़ना है वो उसके आगे का पार्ट है, दैट इज हम कह सकते हैं कि हॉर्मोनल मेथड हमें पढ़ना है। हम लोगों ने बैरियर मेथड पढ़ लिया। ये जो टोटल अभी तक हम लोगों ने मेथड्स पढ़े हैं ये टेम्प्रोरी मेथड के अंदर आते हैं, जिसको स्पेसिंग मेथड भी हम कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि यहाँ पे क्या है, जब हम चाहे तब चीज़ों को रिवर्स कर सकते हैं। मतलब जब हमको प्रेगनेंसी चाहिए तो हम वो मेथड अवॉइड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रेगनेंसी हो जाएगा। जिसमें हम लोगों ने केमिकल मेथड्स को पढ़ा था, जिसमें स्पर्मिसाइडल एजेंट्स, जैसे कि मैंने बताया था कि कुछ जेल्स होते हैं जिसको स्पर्मिसाइडल जेल कहते हैं, जो स्पर्म को मारने के लिए काम करते हैं। बैरियर मेथड को हमने पढ़ा था, जिसमें चार चीज़ें आ गई थी। मेल्स के लिए कॉन्डम्स आ गया था, फीमेल के लिए डायफ्राम वॉल्स और सर्वाइकल कैप्स था। ठीक है, फिर हम लोगों ने इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस के बारे में पढ़ा। फिर अब हमें पढ़ना है हार्मोनल मेथड। हार्मोनल मेथड भी एक तरह का क्या है, टेम्प्रोरी मेथड है या स्पेसिंग मेथड हम कह सकते हैं। तो नेक्स्ट जो पढ़ना है हमें वो है हार्मोनल मेथड। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए टॉपिक हम देंगे, ये हमारा पहला था केमिकल, दूसरा था हमारा बैरियर मेथड। बैरियर में ही इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस एक तरह से काम करता है, या एक्स्ट्रा भी हम कह सकते हैं बैरियर छोड़ के, वो तीसरा हो गया। ये हमारा चौथा मेथड है, चौथा है भाई हार्मोनल मेथड, फोर्थ डाल दीजिएगा हार्मोनल मेथड। हार्मोनल अगर हम हार्मोनल मेथड की बात कर रहे हैं तो हार्मोनल मेथड है कैसा, क्या क्या है? सबसे पहले यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव मेथड होता है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेथड होता है। मेनली ये हार्मोनल मेथड हम कह सकते हैं फीमेल के लिए। मेन काम क्या है, अगर मान लो हम लोगों ने मेंस्ट्रुअल साइकिल को पढ़ा था, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान अगर ओव्यूलेशन ही ना हो, मतलब ओवम ही नहीं निकले, तो फर्टिलाइज क्या होगा? चाहे स्पर्म कितना भी जाए, किसी समय भी जाए, तो फर्टिलाइजेशन तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या है, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिसरप्ट किया जाता है। साइकिल तो वही चलता है लेकिन उसमें ओव्यूलेशन जो है वो नहीं होता है। जाहिर सी बात है ये इफेक्टिव होगा, लेकिन यहाँ पे हम एक नेचुरल फेनोमेनन को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं या रोक रहे हैं या उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इसका साइड इफेक्ट्स भी होता है, तो ये साइड इफेक्ट्स भी है लेकिन मिनिमाइज किया गया है बहुत सारे अनदर ड्रग्स से, अनदर मेडिसिन से इसके साइड इफेक्ट्स को। तो ये मोस्ट इफेक्टिव मेथड है। ऑलमोस्ट अगर मैं इफेक्टिवनेस की बात करूँ तो 100% इफेक्टिव होता है। क्यों भाई? क्योंकि ये मेथड क्या है, ओव्यूलेशन को ही रोक रहा है। हम कह सकते हैं दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड, दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड, इफेक्टिव मेथड, दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड। अगर मैं इफेक्टिवनेस की बात करूं इसकी तो ये लगभग 100% इफेक्टिव है, 100% इफेक्टिव है। सबसे ज़्यादा यूज़ भी ये मेथड होता है, लेकिन इस मेथड में कुछ पिल्स का यूज़ होता है। पिल्स हम लोग कहते हैं जो कि ओरल होते हैं, ठीक है। कुछ वेजाइनल पिल्स भी होते हैं लेकिन उसका यूज़ नहीं किया जा रहा है, मेनली ओरल पिल्स की बात की जा रही है। ओरल पिल्स यूज़ किया जाता है, कुछ इंजेक्शंस होते हैं एंड बॉडी में या फिर यूट्रस में कुछ इम्प्लांट किया जाता है, कुछ स्ट्रक्चर्स है, कुछ ऑपरेटर्स है जिसको इम्प्लांट किया जाता है नॉन सर्जिकली, एंड उसका मेन काम होता है
कि ओव्यूलेशन को वो क्या करता है, डिसरप्ट करता है। तो मोस्ट वाइडली यूज्ड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है ये। मोस्ट वाइडली यूज्ड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, मोस्ट वाइडली यूज्ड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। इन दिस मेथड oral pills injections and implants are used, and implants are used, implants are used. कुछ इसमें ओरल पिल्स हम लोग बोलते हैं, डेली ओरल पिल्स होते हैं कि उसको रोज खाना होता है। कुछ जो होते हैं वो वीकली होते हैं। इसी में वीकली ओरल पिल जो है, ये हमारा जो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ में, उन्होंने डिवाइस किया था, एंड इस पिल का नाम सहेली रखा गया। ठीक है, कुछ जो होते हैं वो मंथली ओरल पिल्स होते हैं। डेली ओरल पिल भी डेली हम कह सकते हैं नहीं खाना होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ पर्टिकुलर डेज को वो अवॉइड किया जाता है, सॉरी। और मेनली ये अगर ओरल पिल की हम बात करें तो ये कंपोजिशन होता है कुछ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन का, कुछ मिक्सचर होता है सिंथेटिक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन का, एंड मेन इसका काम जो होता है वो ओव्यूलेशन को रोकना होता है। ठीक है, तो देखिए मेनली तो मैंने बताया कि मेल फीमेल ओरल पिल है या फीमेल पिल्स को कंज्यूम किया जा रहा है, लेकिन फीमेल पिल के साथ साथ हम कह सकते हैं मेल पिल भी पाया जाता है, या मेल पिल्स को भी डिवाइस किया गया, बनाया गया है। मेनली उसमें है क्या कि मेल में क्या है, सीमेन तो निकले, लेकिन अगर स्पर्म नहीं बनेगा उस पिल को खाने के कारण, तो ज़्यादा बेहतर है कि फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, क्योंकि स्पर्म है ही नहीं सीमेन में, तो स्पर्म्स जो है वो भी बनना बंद हो जाते हैं। तो मेल वाले का कुछ हमको उतना यूज नहीं है, उतना वाइडली यूज नहीं किया जाता है, ज्यादातर फीमेल ही यूज किया जाता है, फीमेल ही यूज होती है। तो फीमेल ओरल पिल एंड मेल ओरल पिल की बात की जा रही है। फीमेल ओरल pills female oral pills जैसे कि आपके examples हो गए माला एंड माला डी, ये डेली ओरल पिल्स है। ओरल पिल्स माला एन एन माला डी, अगर मैं डेली ओरल पिल्स की बात करूं तो इनका कंजम्पशन कैसे किया जाता है,
इसका स्टार्टिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर हम बात करें तो जब ब्लीडिंग फेज एंड हो जाता है, क्योंकि देखो मेन जो फेज है वो कौन सा फेज है, तो मेन फेज हम कह सकते हैं यहाँ पे ओरल पिल्स मेन फेज कौन सा हो गया, ओव्यूलेशन वाला समझना, ठीक है। तो उस फेज को अवॉइड किया जा रहा है या उसी फेज में दिया जा रहा है मेनली, तो फिफ्थ डे से जनरली फिफ्थ डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को ब्लीडिंग रुक जाता है एंड फिफ्थ डे से हम स्टार्ट करते हैं एंड एक से लेके 21 दिन तक हम इसको फॉलो करते हैं। फिफ्थ डे से ओरल पिल स्टार्ट किया गया एंड फिर उसके बाद से लास्ट के फ्यू डेज में जब लॉस होता है ब्लड लॉस, तो क्योंकि उससे बचाने के लिए आयरन का पिल्स भी दिया जाता है कि आयरन जो है उसको भी खिलाया जा रहा है, क्योंकि ब्लड लॉस होगा तो जाहिर सी बात है आयरन का भी कमी हो जाएगा। डेली ओरल पिल्स आर स्टार्टेड, द डेली ओरल पिल्स आर स्टार्टेड फ्रॉम fifth day of menstrual cycle from fifth day of menstrual cycle, लिख रही है लिखे तो यहां तक हो गया। तो लगभग फॉर 1 to 21 डेज ये दिया जाता है
एक से लेकर 21 दिन तक, और डे वन हम काउंट काउंट कर रहे हैं कौन सा, फिफ्थ डे को, ठीक है। तो हॉर्मोनल पिल्स आर गिवन एंड आयरन पिल्स आर गिवन इन द लास्ट 7 days for recovery of blood loss, recovery of blood in menstruation, in menstrual flow, menstrual मेंस्ट्रुअल फ्लो में जो लास्ट में लॉस होगा उस चीज को बचाने के लिए दिया जाता है। ये तो हो गया डेली पिल, ठीक है। वहीं पे हम सेकंड बात कर रहे हैं भाई, सेकंड जो है ये है सहेली जो कि एक क्या है, वीकली पिल है। वीकली में ओरल पिल लिख देते, वीकली ओरल पिल्स, ओरल पिल्स। ये नॉन स्टेरॉइडल कंपोजिशन है, मतलब इसमें स्टेरॉइड्स नहीं है, इसमें स्टेरॉइडल हार्मोन नहीं है, नॉन स्टेरॉइडल पिल डेवलप्ड बाय सीडीआरआई, डेवलप्ड बाई CDRI लखनऊ, कुछ सहेली का साइड इफेक्ट्स है जैसे कि हेडक वगैरह, फ्यू साइड इफेक्ट्स है लेकिन कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू की हम बात करें बट आई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू, कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू, कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू की बात करें तो काफी ज्यादा हाई है, जाहिर सी बात है, एंड इट इज वाइडली यूज्ड पिल। तीसरा जो है हमारा वो मंथली पिल है जिसको क्विन स्टेरॉल कहते हैं हम लोग, क्विन स्ट्रॉल, क्विन स्ट्रॉल, ये एक मंथली पिल, तो ये तो हम लोगों ने देख लिया टाइप ऑफ पिल्स की कौन कौन सा ओरल पिल है हॉर्मोनल मेथड में। अगर मैं कंपोजिशन की बात करूं तो कंपोजिशन होता कैसे है एंड मैकेनिज्म होता क्या है, ये दोनों हमको देखना है, कैसे काम करता है एंड किस चीजों से वो बना रहता है।
सर मंथली पिल का नाम क्या है? क्विनस्टेरॉल, QUINESTROL, क्विनस्ट्रॉल। देखिए अगर मैं कंपोजिशन की बात करूं कि कंपोजिशन क्या रखता है, कंपोजिशन ऑफ ओरल प्ले, ऑफ ओरल प्ले कंपोजिशन ऑफ ओरल प्ले, तो सिंथेटिक एस्ट्रोजन और सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन को यूज किया जाता है। पहला हो गया नॉर एथेस्टेरोन एसीटेट, नॉर एथेस्टेरोन एसीटेट, ये एक सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन है। दूसरा इथिनाइल थाइनाइल, एस्ट्राडायोल, एस्ट्राडायोल थाइनाइल एस्ट्राडायोल, ये एक सिंथेटिक एस्ट्रोजन है। ये क्या हो गया? सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन ये हो गया सिंथेटिक एस्ट्रोजन, सिंथेटिक एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं कि मैकेनिज्म में ये कैसा होता है, तो मोड ऑफ एक्शन की हम बात कर रहे हैं कि कैसे ये एक्ट करता है। तो ये ओव्यूलेशन को रोक देता है, ओव्यूलेशन होगा ही नहीं तो जाहिर सी बात है, और ओव्यूलेशन को कैसे रोकता है? तो ये जो गोनेडोट्रोपिन निकल रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH और LH, उसके सिक्रीशन को रोक देता है। साथ ही साथ जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो सर्वाइकल म्यूकस को मोटा कर देता है, मतलब सर्विक्स है ना जो यूट्रस का लास्ट पोर्शन जहां से वेजाइना स्टार्ट है, तो सर्विक्स को मोटा कर देता है। एंड उसके कारण क्या होता है, जो एंट्री ऑफ स्पर्म है उसको रिटार्ड करता है या प्रिवेंट करता है, रोक देता है उधर ही। तो फर्टिलाइजेशन दोनों चीजों से रुकेगा, एक तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, दूसरा स्पर्म का जो एंट्री है उसको भी रोका जा रहा है। एक्शन ऑफ ओरल पिल इज टू प्रिवेंट ओव्यूलेशन फ्रॉम ओवरी From ovary
achieved by blocking the pituitary secretion. By blocking the pituitary secretion. Pituitary secretion of gonadotropins. FSH and LH. FSH and LH. That is necessary for ovulation. That is necessary for ovulation. That is necessary for ovulation. अब खाली जो ओरल पिल प्रोजेस्टेरोन का बना हुआ होगा वो क्या करेगा, वो सर्वाइकल म्यूकस को थिक करेगा एंड उसको रफ या स्कैंटी हम बोल सकते बना देगा, जिसके कारण जो स्पर्म का एंट्री है वो रिटार्ड होगा। लिखिए तो यहाँ पर हो गया, इसी में मैकेनिज्म में सेकंड पॉइंट लिखेगा प्रोजेस्टेरोन वनली प्रिपरेशन preparations
तो प्रोजेस्टेरॉन वनली प्रिपरेशन जो है इट रेंडर द सर्वाइकल म्यूकस सर्वाइकल म्यूकोसा थिक एंड स्कैंटी, थिक एंड स्कैंटी, थिक एंड स्कैंटी, ठीक है, मोटा कर देगा उसको और रफ कर देगा. दिस प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म्स. दोनों ही केसेस में, इन बोथ अबव केसेस या इन बोथ केसेस हम लिख सकते हो. इन बोथ केसेस फर्टिलाइजेशन इज एब्सेंट, फर्टिलाइजेशन इज एब्सेंट, फर्टिलाइजेशन इज एब्सेंट. ये तो हम लोगों ने देख लिया, फीमेल पिल की बात की हम लोगों ने. अगर मैं, ये तो फीमेल पिल था, मेल ओरल पिल्स की बात करेंगे या मेल पिल की बात कर रहे हैं. तो देखो, पहले मेल पिल जो है वो कॉटन सीड से बनाया जाता था, जिसको हम लोग गॉसी पोल कहते थे. इसका यूज किया जाता था, तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस को रोकता था. लेकिन इसका इसका ड्रॉबैक देखा गया कि ये परमानेंटली रोक दिया बहुत सारे केसेस में, कि फिर स्पर्म जो है वो खाना बंद भी किया इंडिविजुअल स्पिल को, तभी भी क्या है, स्पर्म का फॉर्मेशन हो ही नहीं रहा था. तो ये परमानेंट स्पर्मेटोजेनेसिस को रोक दे रहा था, जिसके कारण इसको बैन कर दिया गया. फिर प्रोजेस्टेरॉन से बना हुआ हम कह सकते हैं कि पिल आता है, जो कि यूज किया जाता है ज्यादातर. ये पहला वर्ल्ड में सारा उटपटांग चीज का डेवलपमेंट चाइना ही करता है, ये भी चाइना ही किया था. एंड 2000 में, मतलब साल 2000 में चाइना ने इसको डेवलप किया था, जो कि वर्ल्ड में पहला था. बहुत सारे इंजेक्शन आते हैं, जैसा कि मैंने लिखा, ओरल पिल भी है, इंजेक्शन भी है, इम्प्लांट्स भी है. मेल पिल में गॉसी पोल है, गॉसी पोल, गॉसी पोल, गॉसीपियम कॉटन को कहते हैं, इसीलिए गॉसी पोल इसका नाम रख दिया गया. मेड फ्रॉम कॉटन सीड्स, मेड फ्रॉम कॉटन सीड्स, कॉटन सीड्स प्रिवेंट स्पर्मेटोजेनेसिस. प्रिवेंट स्पर्मेटोजेनेसिस नाउ बैंड बिकॉज इट कॉजेस परमानेंट परमानेंट लॉस ऑफ स्पर्म्स, लॉस ऑफ स्पर्म्स.
सर इस स्लाइड का फर्स्ट लाइन एक बार पढ़ दीजिए ना, समझ में नहीं आ रहा है। Progesterone only preparations render the cervical mucosa thick and scanty. This prevent entry of sperms. Render के जगह make लिख लो, आसान वर्ड है, make लिख लो। Make the cervical mucosa thick and scanty. Scanty का कहने का मतलब rough होता है। Scanty कहने का मतलब rough होता है। Rough. हो गया। तो हम लोग पढ़ रहे हैं मेल ओरल पिल। मेल ओरल पिल मेनली बना होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन is used in male oral pills. In male oral pills. In 2000, China made China made progesterone pills for male. China सबसे आज से लगभग हम कह सकते हैं 1970 या 80 के समय सबसे विकट परिस्थिति में था, क्योंकि पॉपुलेशन ब्लास्ट से या पॉपुलेशन बूम से ग्रसित था, बहुत तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रहा था। तो उसके लिए चाइना ने बहुत सारी चीजों को इस्तेमाल किया, बहुत सारे टेक्निक्स, बहुत सारा लॉज बनाए गए। इवन आज के डेट में चाइना में बच्चा पैदा करने से पहले गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट लेना होता है जो अलाउ करेगा तभी आप बच्चे को जन्म दे सकते हैं, अगर नहीं करेगा तो नहीं। जब तक नहीं आएगा आपको ऑर्डर तब तक आप नहीं कर सकते। तो पहले आपको मैरिज के बाद अप्लाई करना होता है, उसके बाद परमिशन आएगा तभी जाके आप बच्चे को जन्म दे सकते हो, एंड वो भी एक सर। आदित्य बोलिए, बोल रहे नहीं सर। नेक्स्ट देखिए, ये तो ओरल पिल्स की हम बात किए। कुछ इंजेक्शन है हमारे पास जिसका यूज भी हम हार्मोनल मेथड में करते हैं। इंजेक्शन में कॉमनली प्रोजेस्टेरॉन का ही इंजेक्शन होता है जिसको हम लोग डिपोर्ट कहते हैं। अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो इसको डीएमपीए कहते हैं। डीएमपीए इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब है डिपोर्ट, डिपोर्ट मेड्रोक्सी
प्रोजेस्टेरोन एसिटेट, प्रोजेस्टेरोन एसिटेट, इसमें डिपोर्ट जो वर्ड है इसका मतलब होता है स्लो रिलीज, धीरे धीरे करके रिलीज करेगा, स्लो रिलीज, स्लो ये इंजेक्शन है। कुछ इम्प्लांट्स को यूज किया जाता है जो बॉडी के अंदर डाला जाता है, ये भी हार्मोनल में ही आता है क्योंकि हार्मोनल को ही रोकता है, डिसबैलेंस करता है। इम्प्लांट्स, इम्प्लांट्स की बात करें तो नॉर प्लांट इसको कहते हैं, जो स्किन के ठीक नीचे लगाया जाता है, नॉर प्लांट या सब क्यूटेनियस इंजेक्शन इसको कह सकते हैं, नॉर प्लांट। या सब क्यूटेनियस, स्किन के ठीक नीचे सब क्यूटेनियस रीजन में। और एक और चीज लगता है, आपने सुना होगा पेसमेकर, आर्टिफिशियल हमारा एक तरह का हार्ट बीट प्रोडक्शन सेंटर होता है, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। सबक्यूटेनियस इन दीज इंजेक्शन, इन दीज इंजेक्शन हाई लेवल ऑफ, हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, मतलब समझो इस चीज को ना सिंपल, कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन मेल के लिए एकदम ही स्टेरिलिटी कॉज कर देगा। अलग पॉइंट देखिए, इन दीज इंजेक्शंस हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन हॉर्मोन इज प्रेजेंट, is present which फीमेल में, ये प्रोजेस्टेरॉन करता क्या है, प्रोजेस्टेरॉन ये फीमेल में करता है ओव्यूलेशन को रोकता है, मेल में करता क्या है स्पर्मेटोजेनेसिस को रोकता है। which inhibit secretion of, secretion of gonadotropin, gonadotropin which prevent ovulation in female and spermatogenesis male। तो ये हमारा हार्मोनल मेथड हो गया।
देखिए मेनली क्या है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, वही क्या कर रहा है, रोक रहा है ओव्यूलेशन इन फीमेल, एंड स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल, स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल। याद करिए हम लोगों ने एफएसएच को पढ़ा था, जो कि गोनेडोट्रोपिन है। एफएसएच सर्टोली सेल को इंड्यूस करता है, जो सर्टोली सेल क्या बनाता है, एबीपी बनाता है, एंड एक तरीके से स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। तो ये सारे तमाम जो मेथड्स थे, तीसरा जो था हमारा, नहीं तीन मेथड तो क्या, चौथा था हॉर्मोनल मेथड, पांचवे की हम बात कर रहे हैं जो है नेचुरल मेथड, फिफ्थ है हमारे पास नेचुरल मेथड्स। देखो इसमें ना तो कोई केमिकल यूज किया जाता है, ना ही कोई ऐसे अलग सब्सटेंसेस को यूज किया जाता है, ये सिर्फ टाइमिंग का ही गेम है, सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग का। सर्टेन टाइम पीरियड को चूज करते हैं हम लोग, देखते हैं कि कौन कौन सा इसमें मेथड आता है। तो इसमें जो मेन प्रिंसिपल है जिस पे ये नेचुरल मेथड काम करता है, कि भाई ऐसा हम समय चुने जिसमें कि स्पर्म और ओवम आपस में कभी मिल ही नहीं पाए, ठीक है। तो ये मेनली है कि जितना जो चांसेस ऑफ मीटिंग है उसको प्रिवेंट हम करें या अवॉइड करें। वर्क ऑन द प्रिंसिपल, वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म्स मीटिंग, एंड स्पर्म्स मीटिंग। अब देखो ये जो है, ये बेसिकली चार तरह का नेचुरल मेथड को पढ़ना है। सबसे पहला है ये है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस मेथड, इसको रिदम या फिर पीरियोडिक एब्स्टिनेंस मेथड कहते हैं, एब्स्टिनेंस। मतलब अगर मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करूं, मेल में तो कोई साइकिल है नहीं, तो उसमें कोई मेथड काम नहीं कर रहा है। मेन हम फीमेल के ही बेस पे ये मेथड इस्तेमाल करेंगे, ये जितने भी मेथड्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो फर्टाइल पीरियड होता है वो मेसोसाइकिल, मान लो हम काउंट कर रहे थे डे वन से ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये 3 से 5 दिन तक गया, फिर क्या है 5वें से 13वें दिन तक, फिर 14वें दिन ओव्यूलेशन हुआ, हो सकता है ये पहले है। तो 10th डे से लेके 17th डे का जो पीरियड है, ये एक सप्ताह को काफी ज्यादा क्या हो जाता है, फर्टाइल माना जाता है, फर्टाइल पीरियड। तो इफ द कपल अवॉइड population between this fertile period, then this is known as periodic abstinence. तो safe period क्या है, 1 से लेके 7वें दिन तक, और या menstrual cycle के बाद से हम कह सकते हैं 1 हफ्ता, मतलब 3रे दिन खत्म हो गया तो 1 हफ्ता, 10वें से 17वें दिन तक avoid करना है, तो ये है periodic।
कह सकते हैं इट इज अ मेथड इन विच कपल्स अवॉइड क्वाइटस, क्वाइटस को ही पॉपुलेशन कहते हैं, वर्ड है, मिस्टेक नहीं है, पॉपुलेशन, या इसी को सेक्सुअल इंटरकोर्स भी कहते हैं। सेक्सुअल इंटरकोर्स फ्रॉम ए 10 फ्रॉम डेज 10 टू 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल cycle when क्यों, क्योंकि इसी दौरान ovulation होता है, ovulation occurs तो क्योंकि देखो जितने भी नेचुरल मेथड है सिर्फ टाइमिंग का ही गेम है, टाइमिंग का ही हम कह सकते हैं बेस्ड है या उसी प्रिंसिपल पे काम करे, तो जाहिर सी बात है इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। देखिए दूसरा मेथड है ये चेक करने का मेथड है, ओव्यूलेशन के दौरान ना बॉडी का मेटाबॉलिक रेट काफी ज्यादा बढ़ जाता है, इस वजह से बॉडी का जो टेम्परेचर है ना वो भी 1 से 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। मतलब जिस समय ओव्यूलेशन होता है ना मेस्टोसाइकिल में, लगभग 13th to 14th डे की बात कर रहे हैं, उस समय फीवर रहता है या बॉडी टेम्परेचर बढ़ा रहता है, तो इससे पता चलता है कि ओव्यूलेशन हुआ है, तो उस पीरियड को हम अवॉइड कर सकते हैं। सेकेंड हम बोल रहे बेसल बॉडी टेम्परेचर, बेसल बॉडी टेम्परेचर, बेसल बॉडी टेम्परेचर इसको बीबीटी कहते हैं, बीबी At the time of ovulation, BBT increases by 1
डिग्री सेल्सियस ड्यू टू इनक्रीज इन बीएमआर। बीएमआर बेसिक मेटाबॉलिक रेट हो गए थे, या बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। सी की हम बात कर रहे हैं तो इसको विड्रॉवल विड्रॉवल या क्वाइटस इंटरप्टस कहते हैं, क्वाइटस इंटरप्टस, इंटरप्ट कर दिए। इसका मतलब है भाई कि द मेल पार्टनर विड्रॉज हिज पेनिस जस्ट बिफोर इजैकुलेशन, सो सीमेन बॉडी के अंदर गया ही नहीं तो जो प्रेगनेंसी है वो होगा नहीं। कह सकते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स मेल पार्टनर, मेल पार्टनर विथड्रॉज Withdraws his penis from vagina just before ejaculation, just before ejaculation, just before ejaculation, so as to avoid insemination. जाहिर से बात है इंसेमिनेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी होगा ही नहीं। तो ये तीसरा मेथड था विड्रॉवल या क्वाइटस इंटरप्टस कहते हैं। सर फर्स्ट वाले लाइन का लास्ट वर्ड क्या है? एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन बीबीटी बेसल बॉडी टेंपरेचर इंक्रीजेस, ऊपर की तरफ एरो इंक्रीजेस बाय 1 to 2 डिग्री सेल्सियस ड्यू टू इंक्रीज, एरो ऊपर है, इंक्रीज इन बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं बीएमआर। हो गया क्या?
तो लास्ट है हमारा मेथड, वो मेथड है हमारा लैक्टेशनल एमिनोरिया। लैक्टेशनल एमिनोरिया कहने का मतलब क्या होता है, आफ्टर पार्ट्यूबेशन जब मिल्क निकल रहा है मदर की बॉडी से, ठीक है, मतलब नरिशमेंट कर रहा है, कर रही है फीटस का, सॉरी इन्फेंट का, बच्चे का, सिंपल ब्रेस्ट फीडिंग हो रहा है, तो उस समय क्या होता है कि मदर के बॉडी में एक हार्मोन काफी ज्यादा रहता है जिसको प्रोलैक्टिन हार्मोन कहते हैं, जो मदर के ही पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जिसके प्रेजेंस में मिल्क निकलते रहता है या मिल्क बनते रहता है। तो ये हार्मोन जब तक रहेगा तब तक ये क्या करता है, ओव्यूलेशन को रोके रखता है, ठीक है। लेकिन ये जो मेथड है ये हम कह सकते हैं बहुत वेग मेथड है, ये 6 महीना तक ही एक्टिव रहता है या हम कह सकते हैं वैलिड रहता है, ऐसा भी कुछ नहीं है, कंसेक्यूटिव प्रेगनेंसी भी हो जाती है, मतलब ये फेलियर भी इसमें चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। तो फिर भी ये मेथड को हम कंसीडर करते हैं नेचुरल मेथड में ही। तो फोर्थ है हमारा नेचुरल मेथड में लैक्टेशनल लैक्टेशनल एमिनोरिया, मतलब एमिनोरिया मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गई, कह सकते हैं आई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन, आई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन में लीड टू इनहिबिशन inhibition of menstrual cycle in lactating mother. This method is based on the fact that ovulation or the cycle do not occur during the period of intense lactation. लेकिन हम कह सकते हैं नो साइड इफेक्ट तो होगा ही इसका, इफेक्ट्स इफेक्टिव ओनली अप टू 6 months आफ्टर पार्ट्यूबेशन। फेलियर भी हाई रहता है, ऐसा नहीं है, तो ये हमारा नेचुरल मेथड भी हो गया टोटल। जो कि टेम्पोररी मेथड का हमारा एंडिंग हो गया, 5 तरह का टेम्पोररी मेथड हम लोगों ने देखा। इसी टेम्पोररी मेथड में
प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का एक मिक्सचर भी यूज किया जाता है जिसको हम कह सकते हैं इमरजेंसी पिल कहा जाता है, एंड इट इज यूज्ड और टेकन जस्ट आफ्टर क्वाइटस और मैक्सिमम ऑफ 72 आवर्स, 3 दिन के अंदर लेना होता है फॉर कैजुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स और इन द केस ऑफ रेप्स. दैट इज द मेनली कंपोजिशन प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का ही रहता है. Which comes under the brand name of IPIL or unwanted 72. Main ये करता क्या है, ये zygote तो बन जाता है लेकिन zygote को implant होने से रोक लेता है. क्योंकि zygote को implant होने में लगभग 5 से 7 दिन लगता है, मतलब fertilization होने के बाद लगभग 1 हफ्ता के बाद से pregnancy होता है, तुरंत नहीं होता. स्टार मार्क करके लिखिएगा तो इमरजेंसी पिल बोल सकते हैं, इमरजेंसी पिल. कब कब लेते हैं इसको हम लोग, विद इन 72 आवर्स of coitus. फिर हम बोल सकते हैं काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है, वेरी इफेक्टिव. रहता क्या है, प्रोजेस्टोजेंस रहता है, प्रोजेस्टेरॉन और खाली या तो प्रोजेस्टेरॉन रहेगा या फिर प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का मिक्सचर कॉम्बिनेशन.
क्यों लेते हैं? अवॉइड प्रेगनेंसी ड्यू टू वेव्स और कैजुअल अनप्रोटेक्टेड एग्जाम्पल्स की हम बात कर रहे थे, आईपीएल अनवांटेड 72 इज द आवर्स। देखो ये नाम 72 इसलिए क्योंकि आवर्स 3 दिन के भीतर लेता है। तो ये तो हमारा हो गया टेम्पोरी मेथड। अब लास्ट हमको पढ़ना है टर्मिनल मेथड। इसी के साथ हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव वाला खत्म हो जाएगा टॉपिक। एमटीपी बचेगा, इनफर्टिलिटी एंड एसटीडी। इस वीक में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, हम लोग फिर अगले वीक से जेनेटिक्स स्टार्ट करेंगे। हो गया। चलिए तो लास्ट टॉपिक है हमारा टर्मिनल मेथड, हम कह सकते हैं क्योंकि हमारा सेकंड मेथड है टर्मिनल मेथड। जाहिर से बात है टर्मिनल कहने का मतलब लास्ट मेथड है। इसी को हम लोग सर्जिकल या स्टरलाइजेशन भी कहते हैं। सर्जिकल मेथड या इसी को स्टरिलाइजेशन कहते हैं, स्टरलाइज कर दिया, स्टेरिलाइज। सर ये परमानेंट मेथड है ना? हाँ जाहिर ये टर्मिनल मेथड है या इसी को हम लोग परमानेंट। जाहिर से बात है परमानेंट मेथड की हम बात कर रहे हैं तो हाईली इफेक्टिव होगा, हाईली इफेक्टिव। लेकिन रिवर्सिबिलिटी पुअर होगा और निल होगा, वापस को रिवर्स नहीं कर सकते, एक बार हो गया तो हो गया। करते कैसे हम लोग इसमें? लॉग गैमेट ट्रांसपोज
गैमिट ट्रांसपोर्ट देयर बाई प्रिवेंट कॉन्सेप्शन, प्रिवेंट कॉन्सेप्शन। ये दो तरह का होता है, मेल में अलग होता है फीमेल में। अगर मैं मेल की बात करूं तो मेल में इसको वैसेक्टॉमी कहते हैं, फीमेल में इसको ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं, ट्यूबेक्टॉमी। दोनों अलग अलग नाम हो गया भाई, एक हो गया वैसेक्टॉमी, दूसरा हो गया। वैसेक्टॉमी में ये किसमें कर रहे हैं, मेल्स क्या करते हैं, व्हाट्स डिफरेंस, वो काट दिए। ये किसमें किए, फीमेल्स में क्या किए, ओविडक्ट को काट दिए, ओविडक्ट को। ये ट्यूबेक्टॉमी लगभग 85% यही होता है, ठीक है, 15% है, 10-15% है जिसको में वैसेक्टॉमी किया जाता है। मैक्सिमम जो है वो ट्यूबेक्टॉमी किया जाता है, ज्यादातर ये जब सीजेरियन ऑपरेशन वगैरह होता है तो जिस समय काटा जाता है पेट उसी समय कर दिया जाता है, जो लोग मतलब नहीं चाहते उसके बाद। तो इसी के साथ हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव वाला जो टॉपिक है वो पूरा हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एमटीपी है, यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, फिर इनफर्टिलिटी और लास्टली एसटीडीज है। एक या दो तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रहने देते हैं।